नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 18 फरवरी 2021 और यहां पे 19 फरवरी 2021 शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल के नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों शुरू करूंगा। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया उसका नाम है जस्ट डायल। देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक हैंडल बनाते हुए ट्रेड कर रहा है, यानी कि कप विथ हैंडल पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस कप पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ऊपर 660 के ऊपर जस्ट डायल को, तो हम बाय करेंगे, बाय अबव 660। पहला टारगेट होगा दोस्तों 665 रुपए का, 665 का। दूसरा टारगेट होगा 670, 670 का, और तीसरा टारगेट होगा 675, 675 रुपए का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 655, 655 रुपए का। अगर जस्ट डायल नीचे 650 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 650। पहला टारगेट होगा 645, 645। दूसरा टारगेट होगा 640, 640, और तीसरा टारगेट होगा 635, 635 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में 655 रुपए का। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहां पे मैंने तीन तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो दोस्तों, ये पहला स्टॉक है जस्ट डायल, और बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ जिसका नाम है चोला फाइनेंस का। देखिए, चोला फाइनेंस में ये ऊपर में एक बड़ी कैंडल बनाते हुए बड़े वॉल्यूम का 3 दिन बिल्कुल साइडवेज हो गया है ना, सेम डे सेम हाई के साथ ट्रेड करने की कोशिश करा, और आज जो कैंडल बनाया बहुत छोटा सा कैंडल बनाया है। तो चोला फाइनेंस अगर इस रेंज के ऊपर 532 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय 532। पहला टारगेट होगा दोस्तों 536, 536 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 540, 540 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 544, 544 रुपए का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 528, 528 का। चोला फाइनेंस नीचे अगर 525 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 525। पहला टारगेट 521, 521। दूसरा टारगेट होगा 517, 517, और तीसरा टारगेट होगा 513, 513 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 529, 529 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक जिसका नाम है आईसीसी प्रो लाइफ। देखिए, आईसीसी प्रो लाइफ का 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 बार आईसीसी प्रो लाइफ इसी जगह पर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, चौथा बार आके रुका हुआ है। तो आईसीसी प्रो लाइफ अगर 490 को ऊपर ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय 490। पहला टारगेट 493, 493। दूसरा टारगेट 496, 496। और तीसरा टारगेट 499, 499 रुपए का। स्टॉप लॉस 487, 487 का होगा। सेल करेंगे 485 के नीचे, सेल बिलो 485। पहला टारगेट 482, 482, दूसरा टारगेट 479, 479, और तीसरा टारगेट 476, 476 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 488, 488 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें दोस्तों, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। आईसीसी प्रो लाइफ तीसरा स्टॉक। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक जिसका नाम है एलटी लार्सन एंड टुब्रो। देखिए, मैंने आज भी सेलेक्ट करके दिया था, बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म कॉल में भी है और ये छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है या फिर यहां से ट्रेंड लाइन से बाउंस करके ऊपर जाएगा, तो एलटी ऊपर 1528 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय 1528। पहला टारगेट 1535, दूसरा टारगेट 1542 यानी 1542, और तीसरा टारगेट 1549, 1549 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 1521, 1521 का। एलटी नीचे गिर जाएगा 1512 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1512। पहला टारगेट 1505, 1505। दूसरा टारगेट 1498, 1498, और तीसरा टारगेट 1491, 1491।
1599 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 1519 का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पांचवा स्टॉक्स की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है पीबीआर। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, अगर ये यहीं से ब्रेक करेगा तो गिर जाएगा तेजी से, नहीं तो फिर यहां से कल बाउंस करना चाहिए ऊपर की साइड में। तो पीबीआर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर बाउंस करेगा 1490 के ऊपर तो बाय करेंगे, बाय 1490, पहला टारगेट 1497, 1497, दूसरा टारगेट 1504, 1504, तीसरा टारगेट 1511, 1511 रुपए का स्टॉप लॉस 1483, 1483 रुपए का रहेगा। अगर ये नीचे गिरता है 1477 के नीचे तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1477, पहला टारगेट 1470, 1470, दूसरा टारगेट 1463, 1463, तीसरा टारगेट 1456, 1456 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1484, 1484 रुपए का। दोस्तों ये पांचवा स्टॉक्स है आप लोगों के लिए, छठा और अंतिम स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ, लेकिन बता दूं प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में लॉस बुक करेंगे। छठा और अंतिम स्टॉक टाइटन का, डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए राउंडिंग टॉप, फिर राउंडिंग बॉटम, फिर से राउंडिंग टॉप, माने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो अगर इस पैटर्न को रिपीट करके ऊपर ब्रेक करता है 1440 को तो बाय करेंगे, बाय 1440, पहला टारगेट होगा दोस्तों 1447, 1447 का, दूसरा टारगेट 1454, 1454 का, तीसरा टारगेट 1461, 1461 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 1433, 1433। अगर ये नीचे 1430 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1430, पहला टारगेट 1423, 1423, दूसरा टारगेट 1416, 1416, तीसरा टारगेट 1409, 1409 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 1437, 1437 रुपए का। तो दोस्तों ये छह स्टॉक है फ्राइडे के लिए 19 फरवरी 2021 के लिए। वीडियो एनालिसिस पसंद है, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।